तो आज हम फिर से निकले हैं। देखिए, आप ये जगह पहचान जाएंगे। हम कई बार आ चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ से हमारी एक यात्रा शुरू होगी जो कि बहुत ही स्पेशल जगह जाएगी। तो जुड़े रहिए मुझसे और देखिए, बस हम पहुँचने वाले हैं। आई थिंक आपको दिख गया होगा टर्मिनल 3। हाँ जी, हम आए हैं एयरपोर्ट। आपको पता ही है, एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ता है। और उड़कर कहीं ना कहीं अपने गंतव्य तक जाता है। तो हम आ गए हैं। अब आगे क्या होगा देखते जाइए मेरे साथ, प्रिया के मंच पर, मतलब रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में कोई अंतर नहीं रह गया है। इतनी भीड़ है, देखिए, मतलब हमें जगह भी नहीं मिल रही है कि कहीं पर हमारी गाड़ी रुके और हम उतरें। बाप रे, तो हम अपनी चेकिंग वेकिंग करा चुके हैं। यश ढूंढ रहे हैं डिस्प्ले कहाँ पर है, टाइमिंग और किस गेट से जाना है हमें, वो सब देख रहे मास्क को हैं। कहाँ से देते हो? मैं एज यूजल तुमको मैंने अपनी मास्क हटा के सेल्फी दे लेने में दिया लगी है। हूँ, वो मास्क भी हटा दिया है। कहीं अच्छा, शुक्र है किसी ने देखा, नहीं तो फाइन हो जाता। और ये है एयरपोर्ट पे जो एक होती है गाड़ी होती है, तो हम कई बार हम लोग गए हैं बाय फ्लाइट, लेकिन हमने कभी इसका एक्सपीरियंस नहीं लिया। तो सोचा चलो इस पर बैठ कर देखते हैं। तो जब बैठ गए और जब हमारा गेट, जिस गेट पर हमें जाना था 54, तो लगा कि बहुत सही किया कि इसमें आ गए, क्योंकि बहुत दूर था। तो चल पड़ी हमारी गाड़ी। ये हमारे ड्राइवर भैया, और ये देखिए, बहुत मज़ा आया था आराम से बैठ के इधर उधर नज़ारे देखते हुए हम लोग पहुँच गए थे गेट नंबर 54 पर। तो आप भी कभी जाना तो अपना गेट पता कर लेना, दूर हो तो आप भी जा सकते हो। पैरों को क्यों तकलीफ देनी, आराम से जाओ। यश को देखो, इंजॉय। सोच रहे होंगे काश दूरी और बढ़ जाती, अभी तो 39 नंबर आया है। बस पहुंचने वाले हैं, आ गए हम। भूख भी बहुत लग रही है, खाना भी आ गया। चलिए अब फ्लाइट में भी आ गए। देखा कितनी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड मैं आपको फ्लाइट में ले आई। ऐसे होता था ना बचपन में, विंडो सीट के लिए हम लड़ते थे भाई बहनों से, तो बड़े होने पर भी वो आदत मेरी गई नहीं है। और देखो, मुझे विंडो सीट मिल गई और मैं बहुत खुश थी क्योंकि मतलब तो फील ही नहीं आता कि आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं बिना विंडो के। और ये दंडनीय ये अपराध देखिए सभी शौचालयों में मेरी मौजूद विंडो से अन्य ये सुविधाओं से नज़ारा। लगे हमारे टाटा, वाहन सैनिटाइज किए जा रहे अच्छा हैं। टाटा कंपनी को एयर हमारे इंडिया वाहन मिल गई ना सैनिटाइज फिर करने से, वाले वाह ड्राइवर बड़ी खुशी हुई जिसने जानकर। रास्ता साफ किया हालत है, सुधरेगी एयर इंडिया की अब, जीएसटी द सेफ्टी इंस्ट्रक्शन और ऑन अच्छे फेस से ऑफ उनके सेफ्टी एम्प्लॉयज भी खुश हो गए पर्सन एंड होंगे। व्हीकल बाय इंसर्टिंग लिमिटेड ट्रस्ट रेगुलेशन है इन टाटा पर ना सेफ्टी एक। बिफोर द लूज ऑफ अरे ये कंट्रोल भैया देखो, मैं डायरेक्शन बता रहा है। इंडिकेटर ओके भैया, और ठीक है आप ब्रेकिंग जहाँ बोल रहे इंडिकेटर हो वहीं ऑन जा रहे हैं। ऑक्सीजन टाटा, मास्क विल ड्रॉप बाय बाय ऑटोमेटिकली भैया, टू द फाइनल चले गए लैप फॉर द भैया। मास्क डाउन शाफ्ट टू स्टार्ट द ऑक्सीजन फ्लो। ओपन योर नोज एंड माउथ एंड ये ब्रीथ देखिए, स्लोली। प्लीज वेयर योर मास्क फर्स्ट मैं बिफोर इसमें ना थोड़ा सा एक्सपायरिंग साउंड करती हूँ, कंटिन्यूइंग फिर योर आपको सेल्फ कितना हिजीनिक फील एक्टिविटीज। आएगा कि बस प्लीज लगेगा वेयर आप योर मेरे मास्क साथ, आप फर्स्ट भी बिफोर बस इस हवाई यात्रा पर हैं। इस वीडियो की जो ओरिजिनल साउंड है ना, अब मैं आपको वो सुनाती हूँ। मतलब अब मैं कोई इसके ऊपर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करूँगी, आप ओरिजिनल आवाज़ सुनेंगे। ये देखिए चार्टर्ड प्लेन्स हैं, ये बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे खिलौने रखे गए हैं। तो जिस किसी को भी अपने बच्चों के लिए ये जो टॉय है इसका ऑर्डर देना हो, तो वो प्रिया के मंच से कांटेक्ट कर सकता है कितने प्यारे लग रहे हैं ये। उस वक्त भी ना मुझे ऐसे लग रहा था कि काश इसको उठा लेते। टॉय रखें, इसमें
इस वक्त ना एक ही गाना याद आ रहा है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। ब्यूटीफुल, देखो कितने अच्छे क्लाउड्स हैं। बस यही सब मज़ा आता है घूमने में, और क्या। तो हम अब पहुंच चुके हैं बनारस। हाँ जी, हमें बनारस ही आना था। अच्छा, पता है अभी उतरे हैं? हमारा होम टाउन है, यहाँ पर पूजा भी होनी है, तो उसी के लिए हम आए हैं। और बारिश भी शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं, तो थोड़ा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा बारिश की वजह से बाहर, क्योंकि टैक्सी मिलने में टाइम लगेगा, कैब टैक्सी जो भी है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर ये पेड़ वहाँ पर बना हुआ था, जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। ये बाबतपुर हवाई अड्डा है। और यश दोनों लगे संभाले हुए। अरे भैया, जब से खैनी ना खैला तो बनारस कैसे आईला, बनारस की पहचान। और मैं आपको मिलवाती हूँ कुछ स्पेशल लोगों से। ये मिलिए, ये गुनगुन। ये मिलिए मीठी। ये मिलिए पेहू। ये हमारे घर की डॉटर्स हैं, लवली डॉटर्स। गुनगुन को तो बहुत अच्छा डांस करना आता है। हाँ। और क्या आता है गुनगुन को? गाना गाना। गाना गाना भी आता है। ओके। ड्राइंग करना भी आता है। सो स्वीट। काले काले बादल, ये देखो दूर कहीं कहीं लाइट जल रही है। गुनगुन कहाँ गई? गुनगुन गुनगुन ढूंढो गुनगुन को। आ गई गुनगुन, आ गई मिठी। पीहू कहाँ रह गई भाई? पीहू 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 भी आ गई। बारिश 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 बारिश, कितना मजा आ रहा है बारिश में। ये देखो दिल्ली वालों, बनारस की बारिश। बेचारा ये मुर्गा था जो सबके पेट में चला गया बाद में, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। गांव में पूजा वगैरह में जो वहाँ के लोकल हलवाई होते हैं, काम कर करने वाले वही होते हैं जो खाना वगैरह बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं वही लोग हैं। अभी बन रहा है गुलाब जामुन, जिसकी रेसिपी अभी आपने देखी। और अभी तो ये बस फर्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप मैं जल्दी दिखाती हूँ आपको, जब इसकी बॉल्स बनेंगी और फिर वो बॉल्स फ्राई होंगी। और यहाँ पर मोस्टली लेडीज़ काम करती हैं हलवाई लोगों के साथ में, सो थोड़ा उनको काम भी मिल जाता है और लेबर भी शायद सस्ती पड़ती है हलवाई लोगों को तो, लेकिन काफ़ी हार्ड वर्किंग होती हैं ये। बड़ी स्वीट थी दोनों लेडीज़। तो ये है हमारा गंगा घाट। असल में हम जिस काम के लिए आए थे, पूजा के लिए, तो वो हमारी घाट पर ही हुई। और देख सकते हैं आपकी बारिश बहुत हुई थी, तो फोटोग्राफ हैं ये वहाँ की, उस समय की कुछ। बहुत ही साफ़ सुथरा घाट है ये, अच्छा लगा मुझे। और पूजा संपन्न हो गई यहाँ पर। और ये है यश। तो कुछ यादों को लेकर समेट कर हम लोग वापस दिल्ली की ओर जा रहे हैं। अब चलिए वापस दिल्ली चलते हैं। चल रहे हैं अपने घर,
अपनी दिल्ली की ओर, अपना ये पहला घर छोड़कर जाते समय थोड़ा सा लगता है, फील होता है, लेकिन ठीक है, यही तो ज़िंदगी है। बाय बाय बनारस, फिर जल्दी ही मिलेंगे और जल्दी मैं बहुत सारे ब्लॉग बनाऊंगी और हमारी उड़ान शुरू हो गई। जल्दी से हम पहुंचेंगे अपने गंतव्य की ओर, अपने घर की ओर, अपनी दिल्ली। ये हरियाली, ये बनारस, एक बार फिर से बाय बाय बनारस, जय गंगा मैया की। जल्दी ही फिर से मिलेंगे और गंगा मैया के साक्षात दर्शन करेंगे। ब्यूटीफुल बनारस, आई विश ब्यूटीफुल हो जाए। स्वस्थ रहिए।